तुम अपने शरीर को क्यों तपा रही हो? गिरजा ने जवाब दिया, भोले बाबा के प्यार में लीन होकर के मैं अपने शरीर को तपा रही हूँ। तो बाबा नारद बोले, गिरजा भोले बाबा के पास में तो कछु नहीं, देखो मैं तुम्हें समझ आई। घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया भी तो नहीं। सती को कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे। कुछ दिनों सती से प्रेम रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, वो तरस तरस के मर गए। वो तरस तरस के मर गए हैं, बन बैठे ढूंढे के ढूंढे। श्रोता बंधुओं, उसी समय बाबा नारद बोले हैं, हे गिरजा भवानी, काय को तुम भोले बाबा के ऊपर मरी जा रही? भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं, ना घर है, ना परिवार है, ना खेत न बेटपरिया है, ना गांव में मड़ैया है। देखो सती को कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे, जब रूठे तब जरा सी बात पे रूठ गए, और सती मैया मर गई और अकेले कैलाश पर्वत पर बैठी अकेले। समझे? अकेले कैलाश पर्वत पर हैं, समाधि लगाए। ऐसो करो, तुम ब्रह्मा जी को भजन करो, ब्रह्मा जी के साथ में भजन करो और ब्रह्मा जी के संग ब्याह कर लो। बिल्कुल नहीं। अरे तो ब्रह्मा जी को भजन मत ही करो, तो विष्णु भगवान को करो। अरे विष्णु भगवान के साथ में ब्याह कर लो, विष्णु भगवान के पास में बहुत कछु है, महल है, अटारी है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, क्षीर सागर है, शेषना की शैया है। उसी समय गिरिजा भवानी कहने लगी, हे बाबा नारद, मैं भोले बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम एक बात नहीं जानते हो नारद जी, क्या सुनो, क्या प्रेम के पंथ में जो प्राण छिपे बैठे हैं, अपना आप में तो भाग लिए बैठे हैं, अपना आप में तो भाग लिए बैठे हैं।
के शीशे जब ये लग जाए तो खाना पीना की कौन गए सब नींद हराम भी हो जाए। ए बाबा नारद तुम चले जाओ यहां से, मैं भोले बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? चलो जाओ। उसी समय नारद जी कान लगे, ले मारो हम तो जा रहे, तुम समझाए से ना मार रही हो, कोई बात नहीं। नारद बाबा सब ऋषियों को लेकर के वहां से चले गए और चले गए गिरजा भोले बाबा के भजन में लीन हो गए।